तो हेलो फ्रेंड, आज है फिर से एक नई वीडियो के साथ। सबसे पहले आज हम बात करेंगे कि आप कभी भी कोई अपने लिए फ़ोन परचेज करते हैं तो आप कंपनी की जो टैगलाइन है उसके तरफ अट्रैक्ट होकर कोई अपने लिए फ़ोन परचेज करते हैं। यानी कि आपको अगर फ़ोन के अंदर कोई फीचर ऐसा देखने को मिलता है कि जिसको देख के आपको लगता है हाँ ये काफ़ी अच्छा फीचर है और आप उसके बेस पे अपने लिए फ़ोन परचेज कर लेते हैं। बट उससे पहले इस वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपको समझ में आ जाए कि स्मार्टफोन अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए आपके साथ कितना बड़ा एक गिमिक खेलते हैं, यानी काफ़ी सोची समझी चाल आपके साथ चलते हैं जिससे आप अट्रैक्ट हो और उनका जो परचेज यानी कि उनका जो प्रोडक्ट है वो परचेज कर सकें। इसमें क्या है आपको सारी चीज़ें बताऊंगा डिटेल से, पर वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को एंड तक जरूर देखना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करना। सबसे पहले हम बात करेंगे इन्वायरमेंट फ्रेंडली के बारे में। बहुत सी कंपनियाँ कह रही है कि हम इन्वायरमेंट को लेकर काफ़ी फ्रेंडली है, यानी कि हम इन्वायरमेंट के बारे में सोच रहे हैं। और उन्होंने क्या किया कि अपने फ़ोन के बॉक्स में से जो फ़ोन का जो चार्जर है उसको हटा दिया है। बट आपने ये चीज़ सोचा कि उन्होंने अपने फ़ोन के अंदर से चार्जर तो हटा दिया, क्या उसका कुछ प्राइस कम किया है? नहीं किया। और आपको मार्केट के अंदर जाते तो आपको उसी कंपनी का सेपरेट चार्जर देखने को मिलेगा, यानी कि आप उसी फ़ोन के अलग से चार्जर परचेस कर सकते हैं। इसमें कंपनी का फ़ायदा क्या हो रहा है कि उनकी जो कॉस्ट है वो कम हो गई है और उनका जो प्रोडक्शन है वो बढ़ गया। यानी कि आप कोई चीज़ को अलग से परचेस करेंगे तो उसका आपको कॉस्ट पे करनी पड़ेगी, यानी कंपनी को इससे प्रॉफिट है। तो इस चीज़ के बारे में सबसे बड़ा गिमिक है कि कंपनियाँ इन्वायरमेंट के बारे में सोचिए, ऐसा कुछ नहीं है। और जो सेकंड बारे में बात करने वाले हैं वो भी काफ़ी लोगों के साथ ये चीज़ हुई होगी। आपने देखा होगा जब भी कोई अपनी कोई भी स्मार्टफोन कंपनी अपना जब फ़ोन लॉन्च करती तो उस टाइम पे वो अपने दो तीन सेगमेंट लॉन्च करती है, यानी कि जो सबसे कम सेगमेंट में, यानी कि सबसे लो वाला, उसके फिर मिडल वाला, फिर सबसे अपर वाला। आपको दो तीन तरह के इसमें सेगमेंट देखने को मिलते होंगे। बट आपने कभी नोटिस किया कि जब भी आप परचेस करने के लिए जाते हैं तो आपको जो लो सेगमेंट वाला यानी कि जो सबसे कम प्राइस वाला फ़ोन है वो आपको देखने को नहीं मिलेगा? आपको वो फ़ोन दाना देखने को मिला, आपको सबसे जो हाई सेगमेंट वाला प्राइस है वही देखने को मिलेगा। जैसे एग्जांपल आपको दूंगा तो वन प्लस नॉट टू का जो लो प्राइस था वो 26-27 हज़ार रुपये करीब का था, बट लोगों ने जब फ़ोन परचेज करने के लिए तो उनको 26-27 हज़ार वाले फ़ोन काफ़ी कम यानी कि देखने को ही नहीं मिले। अगर किसी को फ़ोन परचेज करना था तो वो अपना 30 हज़ार वाला जो उसका हाई सेगमेंट वाला फ़ोन था वही परचेज करता था। इसका एग्जांपल और दूंगा मैं आपको, एक रेडमी का नोट 10 स्टार्टिंग में उन्होंने जब उसको लॉन्च किया था उसका जो बेसिक सेगमेंट था वो 13 हज़ार रुपये का था, 12,999 रुपीज़ का। बट आप जब उसको परचेज करने गएंगे बहुत से लोगों उनको जो बेस सेगमेंट है वो देखने को नहीं मिला। फिर इसके साथ साथ कंपनी एक चीज़ और करती है, वो अपना जो लो सेगमेंट वाला फ़ोन लॉन्च तो कर देगी बट एक महीने डेढ़ महीने बाद प्राइस उसका इंक्रीज करेगी 500-1000 रुपये। बहुत सारे फ़ोनों के साथ देखने को मिला है कि वो स्टार्टिंग में जब लॉन्चिंग हुए थे उस टाइम पे उनका प्राइस 7-8 हज़ार था, बट एक डेढ़ महीने बाद उनका प्राइस 8.5-9 हज़ार तक हो गया, यानी कि कंपनी पर फ़ोन पे 500-1000 रुपये बढ़ा दिए हैं। ये भी बहुत बड़ा गेमिंग है जो कंपनियाँ स्मार्टफोन की कंपनियाँ अपने जो कंज्यूमर हैं जो उनको परचेज करते हैं उनके साथ कर रही है। तो थर्ड पॉइंट, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपने देखा होगा बहुत सारी कंपनी के अंदर आपको 15x, 20x, 30x, 50x, 100x तक के जूम देखने को मिलते हैं। बट एक्चुअली में आपने कभी इनसे फ़ोटो कैप्चर करी है कि रियल में आज जब इतना जूम करते हैं तो वो फ़ोटो आपने जो कैप्चर करी है वो आपके किसी काम की है? आप देखोगे जब भी किसी अगर फ़ोटो को हम 15x, 20x तक जूम करके कोई फ़ोटो कैप्चर करते तो वो हमारे किसी काम की नहीं होती है। ये सिर्फ एक शो है कि आपको अपने तरफ अट्रैक्ट करने का कि हाँ हमारे फ़ोन के अंदर ज़्यादा जूम है, बट वो आपके किसी काम का नहीं है। आप किसी भी फ़ोन को उठा लीजिए, कोई सी बड़ी कंपनी उठा लीजिए, छोटी सी कंपनी उठा लीजिए, आप उनके जूम को इतने ज़्यादा जूम करके कोई फ़ोटो कैप्चर करोगे तो आपकी फ़ोटो किसी काम की नहीं रहेगी। 10x 20x तक की फ़ोटो आपकी थोड़ी बहुत काम की आ सकती है, बट जैसे 20 से 30 से ऊपर जाते तो वो फ़ोटो आपकी किसी काम की नहीं आएगी। सिर्फ वो एक नाम रहेगा कि हाँ आपने कोई फ़ोटो कैप्चर करी है, बट वो आपके किसी काम की नहीं आने वाली। और कैमरे के अंदर सेकंड बात करेंगे हम नंबर। आपने बहुत सारे फ़ोन के कंपनी के जो फ़ोन है वो आपको नंबर पे गेम खेल रहे हैं, यानी कि आपको 48 का कैमरा दे रहे हैं, 50 के कैमरा दे रहे हैं, 64 मेगापिक्सल कैमरा दे रहे हैं आपको, यानी कि 108 मेगापिक्सल तक कैमरा आपको मार्केट के अंदर अवेलेबल है स्मार्टफोन के अंदर। बट आपने उनकी पिक्चर क्वालिटी में कुछ डिफरेंस देखा है? आप किसी फ़ोटो को 48 मेगापिक्सल से कैप्चर करो और उसी फ़ोटो का 108 मेगापिक्सल से कैप्चर करते हैं तो आपको उनकी जो इमेज क्वालिटी में काफ़ी ज़्यादा अंतर देखने को नहीं मिलेगा, उसमें आपको थोड़ा बहुत ही अंतर देखने को मिलेगा। तो कंपनी यहाँ पे गेम पे नंबर कर जाती है, यानी कि वो गेम के नंबर के ऊपर गेम खेल देती है जिससे कस्टमर जो अट्रैक्ट होता है और उनका जो फ़ोन परचेज कर लेता है।
और साथ ही साथ एक पॉइंट और है कि आपने देखा होगा कैमरे के अंदर आपको ट्रिपल कैमरा क्वाड कैमरा का सेटअप देखने को मिलता है, बट आपने चीज़ एक नोटिस की होगी कि जो आपका मेन कैमरा है वो तो आपको देखने को अच्छा मिल रहा है, उसके अंदर आपको 64 50 मेगापिक्सल 108 मेगापिक्सल तक कैमरा देखने को मिलता है जिससे काफ़ी अच्छी फोटो आ जाती है, बट जो उनका सेकेंड या थर्ड या फोर्थ कैमरा जो होता है उसमें आपको 2 MP का कैमरा मिलता है, यानी कि अगर किसी फ़ोन में ज़्यादा से ज़्यादा अगर अच्छा हुआ तो आपको सेकेंड या थर्ड 5 मेगापिक्सल कैमरा दे देंगे, बट आपको 2 MP का कैमरा मोस्टली फ़ोन के अंदर देखने को मिलता है, यहाँ तक कि आपको 60-70 हज़ार के फ़ोन के अंदर भी सेकेंड या थर्ड कैमरा 2 MP का देखने को मिलता है। तो कंपनियाँ यहाँ पे क्या करती है, आपके साथ गेम करती है, यानी कि गेमिंग बहुत बड़ा गेमिंग कर जाती है कि वो आपको कैमरे के नंबर के ऊपर आपको अट्रैक्ट करती है कि हाँ हमारे फ़ोन के अंदर ट्रिपल कैमरा है क्वाड कैमरा है, बट एक्चुअली में उनका कुछ वर्क नहीं होता, जो आपका मेन कैमरा होता है वही आपके लिए वर्क करता है, बाकी जो कैमरा होता है वो सिर्फ नंबर में ही काउंट आते हैं। और जो नेक्स्ट पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपने देखा होगा बहुत सारी कंपनी बोलती है कि उनका जो यूजर इंटरफेस है यानी कि उनका जो UI है वो क्लीन है, क्लीन नहीं होता उनका यूजर इंटरफेस है, क्योंकि आपने देखा होगा उसके अंदर आपको बहुत सारे जो ऐड देखने को मिलते हैं आपके फ़ोन के अंदर, ऐसी ऐसी एप्लीकेशन का नोटिफिकेशन आता है कि आपने जो इंस्टॉल भी नहीं करी होगी। यूजर इंटरफेस क्लीन उसे माना जाता है कि जिसके अंदर आपको सिर्फ उन्हीं एप्लीकेशन नोटिफिकेशन देखने को मिले जो आपने इंस्टॉल करी है, तो ये कंपनियाँ बोलती हैं कि उनका जो यूजर इंटरफेस क्लीन है, तो ये भी बहुत बड़ा एक गिमिक है। और जो नेक्स्ट पॉइंट है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने 2021 में एक चीज़ सुनी होगी वर्चुअल रैम। क्या है वर्चुअल रैम, इसके ऊपर पूरी एक मैंने अलग से वीडियो डाली, आप जाके चेक कर सकते हो, मैं आपको इसमें शॉर्ट में बता दे रहा हूँ कि वर्चुअल रैम के ऊपर कंपनी कितना बड़ा गेमिंग कर रही है, यानी कि आपने देखा होगा बहुत सारी कंपनी कहती है उनके फ़ोन के अंदर है तो एक्चुअल में 8 GB रैम, बट आप वर्चुअल रैम के थ्रू अपनी जो रैम है उसको बढ़ा के 13 GB तक कर सकते हैं, 12 GB तक कर सकते हैं, यानी कि आपको 4-5 GB एक्स्ट्रा जीबी रैम सपोर्ट देखने को मिलता है, बट एक्चुअल में काम करती है नहीं, या एक्चुअल में काम नहीं करती है। इसके लिए आप वीडियो जाके देखें आपको पूरी चीज़ समझ में आ जाएगी कि वर्चुअल रैम क्या है, कैसे काम करती है, सब चीज़ मैंने बताया डिटेल में, आप तो जाके वीडियो चेक कर सकते हैं। तो इसमें आपको मैं ये कहूँगा कि अगर आपको फ़ोन परचेस करते हो तो वर्चुअल रैम के ऊपर फ़ोन परचेस ना करें, ये बहुत बड़ा एक गेमिक है 2021 का। और जो नेक्स्ट ये भी गेमिक नहीं कह सकते, थोड़ा कन्फ्यूजन भी है थोड़ा गेमिक भी है, ये है 5G स्मार्टफोन को लेके। बहुत सारी कंपनी कह रही है कि हमारा फ़ोन 5G है आप ले लीजिए, हम ले लेते हैं, बट मैं ये भी नहीं कह रहा कि आप 5G स्मार्टफोन ना लो, मैं ये कह रहा हूँ कि आप 5G स्मार्टफोन लो, बट सिर्फ ये सोच के मत लो कि ये 5G है, उसके अंदर आपको और फीचर देख के लेने चाहिए, क्योंकि अभी 5G इंडिया में नहीं आया, तो आपको अभी ये नहीं पता कि आपका जो फ़ोन है वो उस ब्रांड को सपोर्ट करेगा या नहीं करेगा, ये इन फ्यूचर क्या होता है कुछ नहीं, तो आप सिर्फ 5G को देख के फ़ोन परचेस ना करें, आप अपने फ़ोन के अंदर और फीचर को देख के फ़ोन परचेस करें, अगर आपको 5G ऑप्शनल मिल रहा है तो आप परचेस करें, क्योंकि कंपनियां अपने फ़ोन बेचने हैं वो 5G के नाम पे भी बहुत सारे फ़ोन बेच रही है इंडिया में, बट अभी क्या ब्रांड है कौन से क्या है कुछ डिसाइड नहीं हुआ है, तो ये चीज़ को भी आप देख कर ही अपने फ़ोन परचेस करें। तो वीडियो में आपको मैंने 5-6 चीज़ें बताई हैं जो कंपनी हमारे साथ बहुत बड़ा गेमिंग कर रही है, यानी कि हमारे साथ ऐसी चाल कर रही है कि जो हम अपने फ़ोन हमें बेच देते हो और हम उसे परचेस कर लेते हो, तो आप ये सारी चीज़ें देख कर ही अपने लिए फ़ोन परचेस करें, कंपनी आपको क्या हाईलाइट कर रही है या कंपनी आपको क्या बता रही है उस पर ना जाके अपने हिसाब से फ़ोन को परचेस करें, क्योंकि कंपनी अपने फ़ोन को बेचने के लिए आपको काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट करेगी, यानी आपको तरह तरह की चीज़ें बताएगी, बट एक्चुअली में उसका काम आपके लिए है या नहीं ये चीज़ आपको डिसाइड करनी है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और नोटिफिकेशन बेल को ऑल कर देना, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि ये चीज़ आपके साथ हुई है या नहीं, ये आपको ऐसा लगता है। तब तक के लिए टाटा बाय।